फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नित्या केसरवानी। आज मैं आपको इस मरते हुए पौधे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये मेरा पौधा है गेंदे का पौधा, जिसे मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, जो कि बहुत ही अच्छा और हेल्दी पौधा था मेरा, जिसमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स भी आ रहे थे और बहुत ही भरपूर इसमें पत्तियां थीं, सब कुछ था। अचानक इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये पौधा देखने में इस तरीके से दिखने लग गया। देखिए आप, इसमें बिल्कुल इसमें जान नहीं रह गई है। इसकी जो सारी लीव्स हैं वो बिल्कुल जो है झड़ चुकी हैं, सूख गई हैं, जल सी गई हैं जैसे कि, और इसकी जो डंडियाँ हैं ना, स्टेम्स, वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इस पौधे में कोई भी जान नहीं बची है। अगर इस स्टेज पे आपका भी पौधा पहुंच रहा है तो आप इसमें ऐसा क्या करें कि जिससे आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी एक टिप शेयर करती हूँ जो मैं भी अपनाने जा रही हूँ। कमांडो क्लोरो पायरीफॉस 20% ईसी, जिसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, और आप इस इंसेक्टिसाइड को अपने इस कोई भी पौधा हो आपका उसमें आप इसे स्प्रे करिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से स्प्रे किया जाता है। चलिए मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ। हम इसे अपने स्प्रे बॉटल में इसे हम कैसे बना सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसके लिए जो है 1 लीटर मग पानी लीजिए और उसमें इसे जो है इस तरीके से ओपन करके आप जो है इसमें इसी कैप से नाप लीजिए। 2 कैप इसमें से आपको ये इस तरीके से है, ये आपको इसमें से ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप इसे जो है मिक्स कर लीजिए और उसके बाद जो है आप इसे स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और फिर आप इसे जो है अपने सभी पौधों में, आपके जितने भी पौधे हैं ना, आप उन सभी में इसमें स्प्रे कर दीजिए। विंटर सीजन में आपके जितने भी पौधे हैं उन सब में आप इसे स्प्रे करिए, जिससे कि जो है कोई भी इंसेक्टिसाइड्स का कोई भी अटैक ना हो सके और आसानी से जो है सारे पेड़ों में फल फूल आसानी से आ सके। ये देखिए, इस तरीके से मैंने लॉक कर लिया है और इस तरीके से अपने पौधे को आप स्प्रे कर दीजिए, अच्छे से बिल्कुल नहला दीजिए इस स्प्रे से, और सारे इसमें जो भी कीड़े वगैरह का अटैक है वो सब ख़त्म हो जाएगा और आपका पौधा जो है फिर से हेल्दी होने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे पौधे को स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि सारे इसके इंसेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखाती हूँ, जो कि अभी बिल्कुल हेल्दी है, वो अभी इतना अफेक्टेड नहीं हुआ है। ये देखिए इस तरीके से, और अब मैं इसमें भी आपको स्प्रे करके दिखा रही हूँ, जिससे कि जो है ये इससे बचा रहे, कोई भी इसमें दिक्कतें ना आ पाए। इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करने के बाद जो है अब हम आपको इसके दूसरे टिप शेयर करते हैं कि इन पौधों में हम ऐसा क्या फूड दें जिससे कि ये पौधे वापस से अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं और इसमें ढेर सारे जो है फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो। तो ये देखिए आप, मेरा दूसरा वाला पौधा, इसमें देखिए मैंने पिंचिंग की थी और इसमें नई नई रूट्स ब्रांचेस जो है अच्छी सी निकल रही हैं, पर न जाने क्यों अचानक से ये देखिए ऐसे इसमें ये ड्राइनेस आना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इनमें जो है इंसेक्ट्स का अटैक हो चुका है और ये इनका जो भी है मेरे ख्याल से फूड की कमी भी हो रही है। इसलिए इन्हें मैं आपको देती हूँ कि मैं इसमें क्या फूड दूँ जिससे कि ये पौधे फिर से अच्छे से लाइव हो सके। अब मैं इस पौधों में जो है इस तरीके से, ये वर्मी कंपोस्ट है मेरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए आप 2 मुट्ठी के अकॉर्डिंग। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये बोन मील पाउडर। आप इसमें, ये पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे इन्हें फूड बहुत ज़रूरी है इन पौधों के लिए,
तभी ये पौधे अच्छे से हमारी फ्लावरिंग को पूरा कर पाएंगे और हेल्दी रह पाएंगे। इस तरीके से आप इसे लेके इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से अपने हैंड के थ्रू, एंड आप इसे जो है अपनी सॉइल में इसे मिक्स कर दीजिए, जिससे कि ये जो पौधे हैं ना वो फिर से जी उठेंगे। और इस तरीके से आप लेकर के आप इसमें हल्के हाथों से इस तरीके से सॉइल में गुड़ाई कर दीजिए साइड साइड्स में, जिस इसकी रूट्स को डिस्टर्ब मत करिएगा, बिल्कुल बहुत ही लाइट हैंड से करिएगा। और उसके बाद जो है आप इसमें दोनों पॉट्स में आप कर दीजिए। एंड उसके बाद जो है आप ये वर्मी कंपोस्ट एंड बोन मील पाउडर का जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है, आप इसे इस तरीके से इसमें साइड साइड्स में इसके स्प्रिंकल कर दीजिए, और आसानी से जो है इसमें ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। मेरे पौधे में पानी की कोई भी कमी नहीं थी, बट थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गई है, तो मैं इसका ध्यान रखूँगी, तो ये बिल्कुल वापस से मेरे हेल्दी हो जाएंगे पौधे। आपके अगर पौधों में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अभी ये काम करिए, तो जिससे कि जो है कोई भी दिक्कत आपके प्लांट्स में नहीं होगी और पूरे विंटर ये पौधे बहुत अच्छी तरीके से आपके चलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो।